हेलो एवरीवन, माय सेल्फ जश कोडाला फ्रॉम पिक सीरीज। और आज फिर से एक लेटेस्ट सॉन्ग लेके आया हूँ, जो कि है जो सॉन्ग का नाम है नयन, जो कि दोनों भानुशाली और जुबिन नौटियाल ये दोनों ने गाया है। बहुत ही बढ़िया सॉन्ग है और आपने सुना भी होगा। इसकी जो लीड लाइन मैंने प्ले की वो तो ऑलरेडी हमने आगे सुनी है, इसके आगे दो सॉन्ग ऑलरेडी बन चुके हैं। सो ये सॉन्ग भी बहुत ही बढ़िया था, सो मैंने सोचा इसको कवर किया जाए। और अभी लेटेस्ट सॉन्ग ही अभी अभी आया है, सो आज इसको सीखेंगे। सो लेट्स ड्रिफ्ट इनटू म्यूजिक। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये सॉन्ग की नोटेशन फाइल या कोई भी सॉन्ग का रिदम लूप या कुछ भी अगर क्वेरीज या डाउट हो, तो यहाँ पे जो नंबर डिस्प्ले हो रहा है, यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा होगा, दैट इज 9106723893। यहाँ पे हमें व्हाट्सएप पे टेक्स्ट कीजिए, हम जल्द से जल्द रिप्लाई करेंगे और अच्छे से हम कनेक्ट कर पाएंगे। सो फर्स्ट लाइन से स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले एक बार चेक करते हैं हमने कौन से कॉर्ड्स यूज़ किए। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे कैसा है कि सॉन्ग में मिडल से नहीं लास्ट में स्केल चेंज किया है। सो यहाँ पे कॉर्ड्स थोड़े ज़्यादा होंगे, 7 कॉर्ड्स होंगे। सो एक बार चेक करते हैं कौन से कॉर्ड्स हैं। सो फर्स्ट वन इज जी, देन ई माइनर, फिर सी डी, ये 4, देन ए, एफ शार्प माइनर और ई, ये हमने इतने कॉर्ड्स हमने इसमें यूज किए। सो नाउ फर्स्ट लाइन से यानी म्यूजिक की लाइन से स्टार्ट करते हैं। सो ये फर्स्ट लाइन है, यहाँ पे आपने देखा होगा कि लाइन खत्म हो गई फिर भी एक कॉर्ड प्ले किया है। सो इसको चेक करते हैं। देन डी कॉर्ड। नाउ नेक्स्ट, सो अगेन ऐसा ही किया है, ई माइनर और सी यूज किया है, सो उसको चेक करते हैं। सो नाउ नेक्स्ट, सेम लाइन। नाउ नेक्स्ट, सो यहां पे भी सेमी कॉर्ड है, ई माइनर और सी। So, यहां पे म्यूजिक का पार्ट तो हमने सीख लिया। नाउ सॉन्ग की फर्स्ट लाइन से स्टार्ट करते हैं। ये लाइन आपको बड़ी लगी होगी, लेकिन यहाँ पे नोट्स तो बहुत ही कम यूज किए, इनफैक्ट हमने कॉर्ड ज्यादा यूज किए यहाँ पे। इसको चेक करते हैं पहले कौन से कॉर्ड यूज किए, दैट इज जी, ई माइनर और डी, 3 कॉर्ड्स हमने यूज किए। इसको नोटेशंस को देखते हैं। तो फिर से सुनाओ नेक्स्ट लाइन। सो ये लाइन भी बहुत ज्यादा सिमिलर है, यहां पे सिर्फ छोटा सा डिफरेंस है। सो इसको देखते एक बार। सो यहां पे डिफरेंस है। सो ये जो 2 लाइंस हमने अभी जो सीखी उसको रिपीट करना है 2 टाइम्स। कितने टाइम्स? 2 टाइम्स रिपीट करना है। सो नाउ नेक्स्ट पार्ट पे मूव करते हैं। ये बहुत ही सिंपल लाइन है, यहाँ पे एक ही कॉर्ड यूज किया, दैट इज जी। सो इसके नोटेशंस को देखते हैं। नाउ नेक्स्ट, बहुत ही ज्यादा मैच कर दिया, इनफैक्ट सेमी लाइन है, सिर्फ आगे का एक नोट हमने प्ले नहीं किया है, 2 नोट। सो इसको देखते हैं। नाउ नेक्स्ट, सो ये भी सेम है, बहुत ही मैच करते हैं। सो इसको एक बार देख लेते हैं। सो
सुनाओ नेक्स्ट लाइन। सो ये बहुत ज्यादा सिंपल लाइन है, यहाँ पे एक ही कॉर्ड यूज किया है डी से, उसके नोटेशंस को देखते हैं। सुना हुआ था सॉन्ग की मेन लाइन जिसके वजह से सॉन्ग फेमस होने वाला है, सो ये वाली लाइन है। सो ये थोड़ा सा बड़ा है, सो इसको आराम से देखते हैं, लेकिन पूरा एक साथ ही सीखना पड़ेगा था तो ही आप अच्छे से प्ले कर पाओगे। सो एक ही कॉर्ड यूज किया है जी, सो इसके नोटेशंस को देखते हैं। सो ये कंफ्यूजिंग लाइन है, फिर से देखते हैं इसको एक बार। सो नाउ नेक्स्ट लाइन पे मूव करते हैं। सो ये यहां पे ई माइनर कॉर्ड यूज किया है, सो इसके नोटेशंस को देखते हैं। सो नाउ मूव करते हैं नेक्स्ट लाइन पे। नेक्स्ट लाइन भी सेम ही है, नया नया बंद रखे नहीं प्ले करना है। सो लेकिन यहाँ पे सिर्फ माइनर सा चेंज है, सो कौन सा चेंज है? डी ऐड किया है। सो नाउ नेक्स्ट लाइन ये सीख चुके हम, सो नाउ आती है नेक्स्ट लाइन। सो इतना प्ले करना है। सो यहाँ पे हमने एक ही कॉर्ड यूज किया, दैट इज सी, सो उसके नोटेशंस को देखते हैं। नाउ नेक्स्ट, सो इतना प्ले करना है। अभी यहाँ पे हमने दो कॉर्ड यूज किया, दैट इज डी एंड जी, सो उसके नोटेशंस को देखते हैं। सो ये थोड़ी लाइन कंफ्यूजिंग है, सो इसको मैं पूरा प्ले करके बताता हूँ। सो इतना प्ले करना है। सो नाउ मूव करते हैं इसके बाद वाली लाइन पे जो कोरस वाला पार्ट है, सो इसको भी सीखना जरूरी है तो ये साउंड अच्छा प्ले कर पाओगे आप। सो कोरस वाले पार्ट को देखते हैं। सो ये वाली लाइन है, यहाँ पे जी कॉर्ड यूज किया है, उसके नोटेशंस को देखते हैं। सो नाउ नेक्स्ट लाइन, सो सेम ही लाइन है, यहाँ पे कॉर्ड ई माइनर यूज किया है। सो नेक्स्ट लाइन सेम सी कॉर्ड यूज किया, और उसके बाद सेमी लाइन डी कॉर्ड यूज किया है। सो जी, ई माइनर, सी और डी, नोटेशन सेम रहेंगे हर एक लाइन में, डिफरेंट कॉर्ड। सो नाउ मूव करते हैं हम फाइनली अंतरे के पार्ट पे। सो ये बहुत ही ज्यादा सिंपल लाइन है, तीन ये दो नोट्स ही हमने इसमें यूज किए हैं और कॉर्ड एक ही कॉर्ड है, सो इसके नोटेशंस को देखते हैं। सिंपल है। नाउ नेक्स्ट, सो इसको देखते हैं। नाउ नेक्स्ट, सो इसको देखते हैं, यहां पे सी कॉर्ड यूज किया है। सो अभी तक हमने जो अंतरे का पार्ट सीखा है, मतलब जो भी हमने तीन लाइन सीखी, सो उसको रिपीट करना है फोर टाइम्स। ऐसा ही होगा, सिर्फ लिरिक्स डिफरेंट होगी, नोट्स और कॉर्ड्स सेम रहेंगे। सो नाउ फाइनली अभी सॉन्ग में स्केल चेंज होता है। सो अभी हम लोग जहाँ तक सीख रहे थे वो था जी स्केल, लेकिन नाउ मूव करते हैं
ए स्केल पे। अब सोच रहे होंगे कि स्टार्टिंग में जो ए वाले कॉर्ड बताए वो तो आया ही नहीं है, लेकिन अभी यहाँ पे जो स्केल चेंज हुआ है वहाँ पे ए वाले कॉर्ड्स यूज़ करेंगे। सो पहले देख लेते हैं कि कौन सी लाइन हमें कैसे प्ले करनी है। सो ये वाली लाइन है हमें ए स्केल पे प्ले करनी है। सो मैं बताता हूँ कितना प्ले करना है। ये नयन ने बंद रखने वाली लाइन है, लेकिन इसके स्केल को चेंज कर लिया। सो इसके नाउ नोटेशंस को देखते हैं, क्योंकि स्केल चेंज हो गया है सो लाइन की कीज भी चेंज हो गई है। सो फिर से देखते हैं इसको एक बार। सो नाउ नेक्स्ट लाइन। सो इसके भी नोटेशंस को देखते हैं। कॉर्ड यूज किया है एफ शार्प माइनर, जो स्टार्टिंग में बताया था। सो नाउ नेक्स्ट लाइन। सो यहां पे दो कॉर्ड यूज किया है, डी और ई। सो इसके नोटेशंस को देखते हैं। फिर से देखते हैं। नाउ नेक्स्ट। सो सिंपल सी लाइन है, एक और यूज किया है। सो इसके नोटेशंस को देखते हैं। सो यहां तक तो सीख लिया, अभी सिर्फ लास्ट की एक लाइन बची है। सो वो कौन सी लाइन है? सो ये वाली लाइन जो हमने जी स्केल पे सीखी थी, अब इसको ए स्केल पे प्ले करना है। सो इसके बाद वाली लाइन है उसमें कौन सा कॉर्ड यूज करना है? उसमें एफ शार्प माइनर कॉर्ड यूज करना है। उसके बाद वाली लाइन है डी कॉर्ड यूज करना है। उसके बाद ई कॉर्ड यूज करना है। लेकिन ये जो हमने अभी लास्ट लाइन सीखी उसको 4 times प्ले करना है, लेकिन कॉर्ड्स मैंने बताया ए एफ शार्प माइनर डी और ई, ये 4 chords पे 4 lines सेम है वो प्ले करनी है। सो यहाँ पे फाइनली और सक्सेसफुली हम सॉन्ग को फिनिश करते हैं। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो में मज़ा आया होगा और आपने यहाँ से कुछ सीखा होगा। सो अगर आपको ये लेसन से रिलेटेड कोई भी डाउट्स हो या कोई भी क्वेरीज हो या नोटेशन फाइल चाहिए, तो यहाँ पे जो नंबर डिस्प्ले हो रहा है दैट इज 9106723893, उस पर हमें टेक्स्ट कीजिए व्हाट्सएप पे, हम जल्द से जल्द रिप्लाई करेंगे और अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगे। सो एपिक सीरीज पे नए हो तो सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लविंग।